लोग, स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई लोग, सबसे पहले तो आप लोगों को आज एक छोटे से मेहमान से मिला आता हूँ, बहुत क्यूट है भाई। आप लोगों को देखोगे आप लोगों का भी दिन भाई मस्त हो जाएगा। साथ में आज ये भी अनबॉक्सिंग करेंगे भाई, क्या आया है कुरियर, मंगाया था सुबह सुबह आया है भाई कुरियर, और इसमें क्या है वो भी देखेंगे। और साथ में करेंगे वर्कआउट, तो छोड़ना नहीं है, घर पे कैसे चेस्ट वर्कआउट करें, चेस्ट को अच्छा करें, अपने चेस्ट को शेप में लाएं, वो भी देखेंगे। पहले चलो अब छोटे से मेहमान से मिल लो, फिर आगे का काम करेंगे अनबॉक्सिंग और वर्कआउट वगैरह। तो दिखाता हूँ भाई लोग, देखो क्यूट मेहमान भाई मेरी भांजी है, बोलो हाय। हाय बोलो, हाय हाय। अभी पार्सल को करेंगे जरा अनबॉक्सिंग, क्या है इसमें नहीं है आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। भाई इसमें मैं आप लोगों के काम के लिए भाई सामान मंगाया था, इस जो भी माइक है भाई, ठीक है, और जो आपके DSLR के ऊपर लगता है, मैं साइज जो बता नहीं पाता था आप लोगों को, डिस्कस नहीं कर पाता था, वो अब अच्छे से बताऊँगा भाई, क्योंकि ये माइक को हम उसमें इंस्टॉल करेंगे अपने माइक में और अच्छा करेंगे। तो चलो भाई देख लो किस तरह का माइक है, क्या है इसको, ठीक है। ये सारा कुछ है भाई, ये है माइक और ये है विंड शील्ड करके, विंड शील्ड मतलब हवा का, ये आपको फोर्स नहीं इसमें आने देता है। तो चलो इसको अटैच करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे का वीडियो बनाते हैं। तो हो गया भाई अपना माइक अटैच, अभी चलते हैं वर्कआउट भी देखना है, चेस्ट वर्कआउट विदाउट एनी इक्विपमेंट। तो चलो देखो, साथ में अगर आपके पास कोई चेयर हो तो भाई चेयर ले लेना, चेयर का इस्तेमाल करेंगे इसमें हम, बाकी तो बॉडी वेट से ही हो जाएगा, तगड़ा चेस्ट अच्छा फिजिक घर पे ही बनाएंगे। तो चलो भाई वर्कआउट, चेस्ट पे काम करना है घर पे, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज हमारा होगा, स्टार्ट करेंगे वाइड ग्रिप पुशअप से। ग्रिप रखना है वाइड और जमीन को एकदम किस करके टच करके ऊपर आ रहा है। पहला एक्सरसाइज हमारा वाइड ग्रिप पुशअप 15 से 20 रेपिटेशंस, 2 से 3 सेट या 4 सेट आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है। चलिए लगाते हैं पहला एक्सरसाइज वाइड ग्रिप पुशअप, उसके बाद आगे अलग अलग वेरिएशंस देखेंगे। आपको कोई सा जो आपके पास चेयर हो उस वो चेयर ले लेना है आपको, और फोकस चेस्ट में रख के काम करना है। बस चेस्ट का जो एक्सरसाइज करो तो अपने हाथ को आप सीधा रखना है, बस अगर चेस्ट में काम करना है तो आपका हाथ सीधा रहेगा, अगर इस तरह हाथ पकड़ोगे तो आपके बाइसेप्स और आपका आर्म्स वगैरह इंगेज हो जाएगा, ठीक है। पहला एक्सरसाइज लगा रहे हैं हमने, आप ऊपर आके थोड़ा सा होल्ड करोगे, ऊपर आके आप अगर होल्ड करते हो तो अच्छे से आपका थोड़ा देर तक स्क्वीज होगा चेस्ट आपका, ऊपर आके अगर होल्ड करते हो तो ये वेरिएशन भी ट्राई करके देखना। हमारा ग्रिप लेना इस तरह से सर सामने, फोकस पूरे चेस्ट पे ऑल द वे डाउन, घर पे ही करना है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है, घर के ही सामान को इस्तेमाल करके आप अपने चेस्ट को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, पूरा नीचे पूरा ऊपर, ठीक है। और ये चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट हमारा होगा भाई डिक्लाइंड पुशअप्स। डिक्लाइंड पुशअप्स इस शेप में आपका पुशअप्स होगा, आपका जो बस ध्यान रखना है आपको कि आपका जो पूरा बॉडी है ऑल ओवर जो आपका ये कोर वगैरह है उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करना, और नीचे आते समय सारा जोड़ आपका चेस्ट पे तभी लगेगा भाई, ठीक है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पाँव रखना है चेयर पे या फिर जो जो आपके पास टेबल है चेयर है जो है, और कोर रखना है स्ट्रेट, पूरा बॉडी कोशिश करना स्ट्रेट रखने का, फिर ऑल द वे डाउन। पुशअप्स हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट पुशअप्स हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा हमारा भाई इनर चेस्ट के लिए, अंदर वाला चेस्ट तगड़ा करना है, चेस्ट को अलग अलग दिखाना है, ये एक्सरसाइज करो बेस्ट एक्सरसाइज।
आपने क्या करना है, आपका चेयर है या फिर टेबल है जो है, आपको उल्टा हाथ करके उसके कॉर्नर पे पकड़ना है, उल्टा हाथ करके कॉर्नर पे पकड़ना है और ऊपर आप चेस्ट को लाओगे और फोकस रखोगे इनर चेस्ट पे, बीचों बीच फोकस रहना चाहिए आपका। करके मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह करना है आपने, नीचे जाओ, ऊपर आके स्क्वीज, आपका इनर चेस्ट पे फोकस रखिए। नेक्स्ट हमारा होगा भाई आर्चर पुशअप्स। आर्चर पुशअप्स यानी कि एक चेस्ट के पैक पे, एक चेस्ट साइड पे एक बार में काम करेगा, पूरा आपका बॉडी का जो वेट है वो एक टाइम पे एक चेस्ट पार्ट पे आएगा, राइट चेस्ट, राइट पे या फिर लेफ्ट पे। करके दिखा रहा हूँ मैं किस तरह, एक हाथ को रखना है पूरा रिलैक्स और दूसरे हाथ से फोकस रख के पूरे चेस्ट को, बॉडी को ऊपर की ओर लाना है और बॉडी वेट पूरा लगना चाहिए आपके चेस्ट पे। आर्चर पुशअप्स देखो करके मैं दिखा रहा हूँ, ये हाथ पूरा रिलैक्स करो, ठीक है, और ऑल द वे डाउन चेस्ट पे फोकस रख के अप, ये वन अप टू, और सेम दूसरे साइड से भी कर सकते हो आप, अल्टरनेट हाथ, दूसरा हाथ को अप कर दो रिलैक्स, फिर ऑल द वे डाउन और एक चेस्ट साइड से ऊपर की ओर आओ। इस तरह से आप एक चेस्ट के पार्ट पे, एक चेस्ट वन साइड के चेस्ट के पैक पे एक बार में काम कर सकते हो, बेस्ट एक्सरसाइज आर्चर पुशअप्स। अभी इसमें एक लेवल और ऊपर आ जाता है जिसमें कि आपने बस जमीन को टच नहीं करना है, रेस्ट नहीं होने देना है और अपने चेस्ट को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट लाना है, ठीक है। करना क्या, आपने ग्रिप रखना है बाहर की तरफ, ठीक है, और आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जाना है बिना ग्राउंड को टच किए, ठीक है। करके देखो, इजी है भाई, हो जाएगा आप लोगों से। इधर आओ डाउन और राइट तक आओ, फिर अप, फिर नीचे आओ लेफ्ट तक आओ अप, ये एक लेवल ऊपर हो जाता है जिसमें कि और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको एक्सरसाइज से, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ भाई। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा होगा एक्सप्लोसिव पुशअप, जिसको कि हमने सेकंड लास्ट या फिर अपने लास्ट एक्सरसाइज में इंक्लूड करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, लगाते हैं एक्सप्लोसिव पुशअप्स। 10-15 पुशअप्स, 20 पुशअप्स जितना लग सके आपके, आपको बस उतना लगाना है जिससे कि आपका चेस्ट पे जो अच्छे से काम हो पाए। एक्सप्लोसिव पुशअप्स लास्ट में ऐड करना है जो आपका चेस्ट पे थोड़ा सा पंप पहले से हो, ठीक है। एक्सप्लोसिव पुशअप्स ऊपर की ओर बस फेंकना है आपको चेस्ट को, हो गया भाई। तो ये कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेस था, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि घर पे आप करके अपने चेस्ट को, चेस्ट के एक एक पार्ट पे टारगेट करके अच्छा फिजिक, अच्छा चेस्ट पा सकते हो भाई। बॉडी बिल्डर नहीं बन जाओगे लेकिन आपका चेस्ट दिखने लायक हो जाएगा, ठीक है भाई। लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ठीक है भाई।